विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों में भी सख्ती बढ़ा दी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को लेकर अब तक राजस्थान में 287 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नेताओं को लगातार कारण बताओ नोटिस भी दिए जा रहे हैं। बता दें, सोमवार को तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ को भी आपत्तिजनक बयान दिए जाने के मामले में नोटिस जारी किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। इस ऐप के जरिए शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से सी विजिल ऐप पर प्राप्त हुई शिकायतों में 2009 शिकायतें सही पाई गई, जिनमें से 1721 शिकायतों को निर्धारित 100 मिनट के समय में कार्रवाई कर निस्तारित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीमें औसतन 29 मिनट 47 सेकंड में शिकायत स्थल पर पहुंचती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। आगे प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल ऐप पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 92% शिकायतें सही दर्ज हुई है और निवाई विधानसभा क्षेत्र में 81 शिकायतें सी विजिल ऐप पर दर्ज की गई है, जिनमें से 95% शिकायतें सही पाई गई है। साथ ही प्रवीण गुप्ता ने यह भी बताया कि जयपुर निर्वाचन जिले में 353 शिकायतें और टोंक में 191 शिकायतें सही पाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सी विजिल ऐप आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों के समाधान का प्रभावी जरिया बनता जा रहा है। सी विजिल किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। आमजन इस ऐप का इस्तेमाल करके संबंधित घटना की जानकारी भेज सकते हैं। जानकारी भेजने के बाद 100 मिनट की समय सीमा में शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।